Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 2. And today we are going to start chapter number 2. The name of our chapter is Celebrating Festivals. त्योहारों को मनाते हैं. चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फेस्टिवल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. फेस्टिवल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. Identify pictures of festival and write their names. यहाँ पे festivals की pictures बनी हुई हैं, आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं. तो पहली picture है Christmas tree की, तो ये कौन सा festival है? Christmas. इसी तरह आप बाकी की pictures देखेंगे और festivals के नाम लिखेंगे. Festivals. Festivals क्या होते हैं? India is called the land of festivals as we celebrate a number of festivals throughout the year with our family, friends, neighbors and relatives. India, भारत को त्योहारों की धरती कहा गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है. त्यौहार हम अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं. During festival, we celebrate and enjoy a lot. जब त्यौहार आते हैं या त्यौहार के दिनों को हम बहुत enjoy करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं. On these days, people eat special dishes, sing and dance. We visit our friends and relatives. तो त्यौहार के दिन में क्या करते हैं? अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं. और क्या करते हैं? अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाते हैं. हाउसेस आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड रंगोलीज. घरों को सजाया जाता है किससे? फूलों से और रंगोली से. वी ग्रीट ईच अदर एंड ऑफर स्वीट्स एंड एक्सचेंजेस गिफ्ट. वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉय आवरसेल्फ. और क्या करते हैं हम त्योहारों पर? एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और क्या करते हैं? बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं. नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. कौन कौन से? रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में. People follow different religions all over the country. Country में, देश में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. The festival they celebrate to meet their religious occasions are called religious festival. अपने धर्म के अनुसार जो त्यौहार वो मनाते हैं उसे क्या कहते हैं? Religious festivals कहते हैं. दशहरा. दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. इट सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल. इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी. ऑन दशहरा इफिजेस ऑफ रावण, हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ आर बर्न. दशहरा 10 दिनों का त्यौहार है, रामलीला लगती है. और क्या, किस चीज़ का प्रतीक है दशहरा? दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. और दशहरे पर क्या होता है? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है. दशहरे को हम विजय दशमी भी कहते हैं. दिवाली. दिवाली रोशनी का त्यौहार. दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा गया है. इट इज सेलिब्रेटेड After 20 days of Dashera in the month of October or November. 10 दिन के दशहरा के बाद दिवाली का त्यौहार आता है. अक्टूबर में आता है या फिर नवंबर में आता है. It is celebrated in the memory of Lord Rama's return to Ayodhya after his victory over Ravana, the king of Lanka.
दिवाली क्यों मनाते हैं? कहते हैं रामचंद्र जी 14 वन का वनवास पूरा करने के बाद और रावण को मारकर वापस लौटे थे, कहाँ? अयोध्या, अपनी नगरी। ऑन दिस ओकेशन पीपल वियर न्यू क्लॉथ एंड गिव गिफ्ट एंड ग्रीटिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिवाली के दिन लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। द नाइट देयर आर ब्राइट एंड कलरफुल लाइट एवरीवेयर। रात को सभी जगह क्या होता है? रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद कलरफुल लैम्प कैंडल बल्ब। लोग अपने घरों को रंगीन दियो, लाइट और लालटेन से सजाते हैं। चिल्ड्रन लाइट फायरवर्क एंड क्रैकर्स। गॉडेट लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा आर वर्शिप ऑन दिस डे। बच्चे आतिशबाजी करते हैं, पटाखे जलाते हैं, कब? दिवाली पर। और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। होली, रंगों का त्यौहार। होली इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में होली का त्यौहार मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑन दिस डे पीपल इंजॉय बाय थ्रोइंग कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। रंगों का त्यौहार होली। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और रंगीन पानी, रंग से भरा हुआ पानी डालते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग एंड डांस ऑन म्यूजिक टू सेलिब्रेट दिस डे। लोग नाचते हैं, गाते बजाते हैं होली के दिन। गुजिया इज द स्पेशल स्वीट डिश ऑफ द फेस्टिवल। और इस दिन का सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन क्या बनता है? गुजिया बनती है, मीठी गुजिया बनती है। ईद, ईद इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन विच कम्स एट द होली मंथ ऑफ रमजान। एक महीने के रमजान के बाद क्या आता है? ईद का त्यौहार आता है। रमजान फॉल्स इन द नाइन्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार नौवें महीने में क्या आता है? रमजान आता है। स्पेशल प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन मॉस्क्यू। पीपल विश ईद मुबारक टू ईच अदर। ईद वाले दिन लोग क्या करते हैं? मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ इज प्रिपेयर्ड। और उस दिन स्पेशल व्यंजन बनता है जिसे हम सेवैयाँ कहते हैं। पीपल डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड फैमिली। परिवार और दोस्तों में सेवैयाँ बांटी जाती हैं। दे ऑल्सो डोनेट फूड एंड क्लॉथ अमॉन्ग द पुअर। गरीब लोगों में मिठाइयाँ और कपड़े बांटे जाते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट सेलिब्रेशन। त्योहारों को लोग मनाते हैं और इस त्यौहार को भी लोग बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। चिल्ड्रन रिसीव गिफ्ट्स कॉल्ड ईदी। बच्चों को अपने से बड़ों से गिफ्ट मिलता है जिसे ईदी कहते हैं। इंटरप्रिटेशन, ईद इज ऑल्सो कॉल्ड ईद उल फितर। ईद को ईद उल फितर भी कहते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। दिस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस दिन किसका जन्मदिन होता है? जीसस क्राइस्ट का। ऑन दिस डे चर्चेस आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। और सारे चर्च किससे सजे होते हैं? लाइट्स से। स्पेशल प्रेयर मीटिंग इज हेल्ड इन चर्चेस एंड कारोल्स आर सिंग। और चर्च में स्पेशल प्रेयर मतलब पूजा की जाती है और गाने गाए जाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद लाइट एंड क्रिसमस ट्री। लोग अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री से। दे गिव विशेस एंड गिफ्ट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने फ्रेंड और फैमिली को गिफ्ट देते हैं। सम पीपल डिस्कस एंड सेंटर टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन ऑन द क्रिसमस ईव। और कुछ लोग सेंटा बनते हैं और बच्चों को क्या बांटते हैं? गिफ्ट बांटते हैं क्रिसमस की शाम को। नाउ वी विल लर्न अबाउट गुरुपूरब। गुरुपूरब क्या है? गुरु नानक जयंती ऑल्सो नोन एज गुरुपूरब। गुरु नानक जयंती को हम गुरुपूरब भी कहते हैं।
is the most important festival for the followers of religion of Sikhism. सिखों का मुख्य त्यौहार होता है गुरुपूरब. They celebrate the birthday of the 10th guru on this day. अपने 10वें गुरु का जन्मदिन वो गुरुपूरब के रूप में मनाते हैं. On this day, people visit the gurudwaras and offer prayer. लोग गुरुपूरब के दिन गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और क्या खाते हैं, लंगर. सभी गुरुद्वारों में लंगर होता है और वो एक ऐसा कम्युनिटी किचन है जहाँ पर हर धर्म का लोग आ सकता है. ये नहीं कि गुरुद्वारे में लंगर खाने सिर्फ सिख ही आएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब लोग जाते हैं लंगर खाने और सबको एक जैसा खाना ही परोसा जाता है. इंटरप्रिटेशन. अ फूड फेस्टिवल इज एन इवेंट हुज मेन थीम इज फूड. द गुरु फेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली. नाउ वी विल लर्न अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं? अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन celebrated at the time of main harvest of a particular region. Harvest festival साल में एक बार मनाया जाता है. इस दिन क्या होता है, जब फसल पकती है तो तब यह त्यौहार मनाया जाता है. पोंगल. पोंगल इज celebrated in तमिलनाडु. पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है. इट इज़ celebrated in the month of January. जनवरी के महीने में पोंगल मनाया जाता है. द सेलिब्रेशन गोज ऑन फोर डेज. चार दिन का यह त्यौहार होता है. द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर अ स्वीट राइस डिश कॉल्ड पोंगल विच इज मेड बाय द बॉइलिंग राइस मिल्क एंड जैगरी इन अ पॉट. पोंगल नाम क्यों पड़ा, कब? तो जब क्या बनते हैं, मीठे चावल बनते हैं. किसमें? दूध में और गुड़ में पकते हैं. किसमें? बड़े से पॉट में. तो इसलिए क्या कहते हैं, उसे पोंगल कहते हैं. उस डिश को भी पोंगल कहते हैं और त्यौहार को भी पोंगल कहते हैं. बीहू. बीहू इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द असामीज पीपल इन असम रीजन. जो असम के लोग होते हैं वो क्या मनाते हैं, बीहू. इट इज़ देयर मेजर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. वो उनका मेन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है. इट इंडिकेट्स थ्री डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ. और यह त्यौहार क्या दर्शाता है, एग्रीकल्चर की तीन स्टेजेस को. अब हम पढ़ेंगे लोहरी. लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. पंजाब में लोहरी मनाई जाती है और अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी. जनवरी के महीने में ये मनाई जाती है. पीपल टेक वेरियस फूड आइटम लाइक पीनट्स, रेवरी, फ्लोर टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू थैंक गॉड फॉर अ न्यू हार्वेस्ट. इस दिन लोग मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी को क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं. किस लिए? नई और अच्छी फसल के लिए. ओनम. इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर. केरला में सेप्टेम्बर और अगस्त में ओनम का त्यौहार मनाया जाता है. इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ रिच हार्वेस्ट. अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है. रंगोली और ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ फ्लावर्स आर मेड ऑन द फ्लोर. जमीन पर फूलों की बड़ी बड़ी सुंदर रंगोली बनाई जाती है. प्यासम अ स्वीट डिश इज कुक्ड. और इस दिन स्वीट डिश बनती है जिसे प्याजम कहते हैं. स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ऑन दिस डे. और इस दिन देखो स्नेक की शेप की बनी हुई बोट की रेस होती है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू पे रिस्पेक्ट टू किंग महाबली. महाबली, राजा महाबली को के आदर में या उनके सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट बैसाखी. बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है. वहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये क्या बिगनिंग करता है, नए साल की शुरुआत की. नवरस. नवरस इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st मार्च.
21 मार्च को मनाया जाता है। ये पारसी लोगों का नया साल है। बसंत पंचमी, सब बच्चों को बसंत पंचमी पसंद है। क्यों? क्योंकि इस दिन बच्चे क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। बसंत पंचमी सेलिब्रेट द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। बसंत पंचमी स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग को मनाते हैं। गॉडेस सरस्वती इज वर्शिप ऑन दिस डे। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बच्चे क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट नेशनल फेस्टिवल। अब हम नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द डे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। नेशनल फेस्टिवल वो होते हैं जो कंट्री में सब लोग मनाते हैं, मिलकर मनाते हैं। ये नहीं कि कुछ धर्म के लोग मनाएंगे और कुछ धर्म के नहीं मनाएंगे। नेशनल फेस्टिवल्स को सब मनाते हैं। इंटरप्रिटेशन, मैनी ब्रेव मैन एंड वूमेन फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। बहुत से महान आदमी और औरतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, किस लिए? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से। सबसे पहला फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, किससे? अंग्रेजों से। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट दिल्ली एंड एड्रेस द नेशन। और इस दिन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। एवरीवन सिंग्स द नेशनल एंथम। सब लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं। द नेशन सैल्यूट द नेशनल फ्लैग एंड रिमेंबर द फ्रीडम फाइटर। लोग नेशनल फ्लैग को सलाम करते हैं और जो फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई देश को आज़ाद कराने में, उनको याद करते हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था बच्चों? इस दिन हमारे देश का संविधान लिखा था। और हमारे देश का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देखिए वो कह रहे हैं ना, वी हैव आर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन टू रन द कंट्री। भारत का अपना संविधान था देश को चलाने के लिए। इस दिन क्या होता है? परेड होती है। कहाँ पर? राजपथ पर। और लोग क्या करते हैं? फॉल्क डांस करते हैं। अलग अलग स्कूल के बच्चे करते हैं अपने अपने राज्य को। हर राज्य का अलग अलग होता है। पंजाब में भंगड़ा होता है, कहीं पे कथक भरतनाट्यम, ऐसे मुख्य नाच होते हैं। कहाँ पर? 26 जनवरी को राजपथ पर। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक सैल्यूट एट राजपथ नियर इंडिया गेट। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। कहाँ पर? राजपथ पर, इंडिया गेट के पास। गांधी जयंती, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल हम गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी को क्या कहा गया है? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता भी कहा गया है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर पर्सनैलिटी पे होमेज टू फादर ऑफ नेशन एट हिज समाधि एट राजघाट न्यू दिल्ली। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत से लोग कहाँ जाते हैं? गांधी जी की समाधि पर, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। किस लिए जाते हैं? उनको याद करते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। नाउ टाइम टू लुक ओवर। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया, भारत को क्या कहा गया है? त्योहारों की धरती कहा गया है। दिवाली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा गया है। इन इंडिया पीपल सेलिब्रेट रिलीजियस हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। एस्टिमेशन कॉर्नर,
सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिवाली कम्स आफ्टर डैश डेज ऑफ दशहरा. दशहरा के कितने दिनों बाद दिवाली आती है? दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली आती है. सेवैया इज अ यम्मी स्वीट डिश एंजॉयड ड्यूरिंग. सेवैया कब खाते हैं, कौन से त्यौहार पर? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईद उल फितर. नंबर 3, डैश इज सेलिब्रेट टू शो रिस्पेक्ट टू किंग महाबली. कौन सा त्यौहार मनाया जाता है राजा महाबली के आदर में? तो वो त्यौहार है ओनम का. नंबर 4, ऑन 15th अगस्त डैश इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. कौन से सन में भारत को आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 में. नंबर 5, डैश इज ऑल्सो नोन एज बापू. हम बापू किसे कहते हैं? हम बापू महात्मा गांधी जी को भी कहते हैं. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है? खाली स्थानों को भरना है. नंबर 1, गुरुपूरब इज सेलिब्रेटेड बाय. गुरुपूरब कौन मनाता है? गुरुपूरब सिख मनाते हैं, सिखीज मनाते हैं. नंबर 2, डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस. नंबर 3, द डैश ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. क्या आया था उस दिन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था. तो नंबर 3 पर आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे. नंबर 4, डैश इज अ फेस्टिवल हेल्ड इन पंजाब. पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बैसाखी. तो नंबर 4 पर आप बैसाखी लिखेंगे. नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है दिए हुए वाक्य सही हैं या गलत हैं. नंबर 1, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नंबर 2, बीहू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जून. बीहू का फेस्टिवल जून के महीने में मनाया जाता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी विल राइट फॉल्स. नंबर 3, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली. दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट TRUE, ट्रू. नंबर 4, स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन मॉस्क्यू ऑन क्रिसमस. क्रिसमस पर क्या होता है? मस्जिद में प्रेयर होती है? नो, उस दिन चर्च में प्रेयर होती है. सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर, वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. वी हैव लर्न्ड अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.